आज का हमारा टॉपिक है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए टॉर्क इक्वेशन क्या होगी वो फाइंड आउट करेंगे। उसमें हमने देखा था कि दो फिक्स कोयल होगी और एक मूविंग कोयल। फिक्स कोयल दोनों सीरीज में कनेक्टेड होती है और मूविंग कोयल भी उनके सीरीज में कनेक्टेड होती है। तो मान लिया फिक्स कोयल से जो करंट फ्लो रही है वो है I1 और मूविंग कोयल से करंट जो फ्लो रही है वो I2, ठीक है। और उनके सेल्फ इंडक्टेंस मतलब उनमें खुद जो करंट फ्लो रही है उसके कारण जो इंडक्टेंस आ रहा है वो क्या रहा है, फिक्स कोयल में L1 और मूविंग कोयल में L2। और म्यूचुअल इंडक्टेंस की यदि फिक्स कोयल में करंट फ्लो होने की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है वो फ्लक्स जब जाके मूविंग कोयल से लिंक हो रहा है तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो रही है या इंडक्टेंस आ रहा है उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। और सेम वैसे यदि मूविंग कोयल के करंट की वजह से या फ्लक्स की वजह से फिक्स कोयल में कोई करंट या इंडक्टेंस आ रहा है तो उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्लक्स लिंकेज कैसे हो रहा है और उसकी वजह से इंडक्टेंस म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस कैसे है। तो यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज मान लिया Φ1 जो L1 के लिए फिक्स कोयल के लिए है वो कितना है, L1 इंटू I1 होगा क्योंकि उसका L1 खुद का सेल्फ इंडक्टेंस और करंट कितनी फ्लो रही है I1, तो उसकी वजह से एक फ्लक्स आएगा। दूसरा जो होगा वो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। म्यूचुअल इंडक्टेंस कब आएगा, जब I2 करंट के कारण जो फ्लक्स आ रहा है वो लिंक किससे हो रहा है, L1 से। तो यहाँ पे L1 से कौन सा लिंक होगा, M इंटू I2 करंट के कारण जो फ्लक्स आ रहा है वो। तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू I2 करोगे तो वो फ्लक्स आ जाएगा। वही सेम यदि मूविंग कोयल की बात करें तो वहाँ फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, L2 इंटू I2, एक तो खुद का सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो फ्लक्स आ रहा है वो, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण कैसे आएगा, I1 करंट के कारण जो फ्लक्स का इम्पैक्ट आएगा उसके कारण जो फ्लक्स आ रहा है वो होगा M इंटू I1। अब हम फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ जानते हैं कि EMF कितना होता है, चेंज इन फ्लक्स रेट, ठीक है। तो उसके कारण EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ इंड्यूस EMF क्या होगा, L1 के लिए होगा E1 और L2 के लिए होगा E2। तो E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d∅1 बाई dt, और E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d∅2 बाई dt। जो टाइम के साथ फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसकी वजह से इंड्यूस EMF E1 और E2 होंगे। अब हम यदि देखें कि टोटल इलेक्ट्रिकल इनपुट कितना आ रहा है एनर्जी का, तो वो कितना होगा, पावर इंटू टाइम करते हैं तो एनर्जी आती है। तो यहाँ पे यदि L1 के लिए बात करें, इनपुट किसके लिए चाहिए होगा, L1 L2 दोनों के लिए चाहिए होगा। L1 के लिए क्या होगा, E1 इंटू I1 इंटू dt, क्योंकि dt टाइम के लिए कुछ सेकंड्स के लिए बात कर रहे हैं। और L2 के लिए क्या होगा, E2 इंटू I2 इंटू dt। अब हम देखें इक्वेशन में तो E1 इंटू dt को हम d∅1 लिख सकते हैं, इंड्यूस EMF की जो इक्वेशन लिखी उससे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 इंटू d∅1 और प्लस I2 इंटू d∅2। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, ∅1 और ∅2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 जो है। अब नेक्स्ट देखें कि ये इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी काम किस में आ रही है, तो यहाँ कहाँ क्या काम में आ रहा है, एक तो उस मूविंग कोयल को मूवमेंट कराने में, ठीक है, मतलब पॉइंटर का मूवमेंट, मतलब मैकेनिकल वर्क डन करना पड़ रहा है, प्लस उस जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जब इनपुट दोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, तब जाके वहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल इनपुट है वो कहाँ काम में आ रही है, दो जगह, एक तो एनर्जी स्टोर करने के लिए मतलब मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जो एनर्जी स्टोर है उसमें जा रही है, और दूसरा उस पॉइंटर को मूव कराने के लिए मतलब मैकेनिकल एनर्जी में। तो हमें एनर्जी स्टोर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कितनी होगी। एनर्जी स्टोर क्या होगा, जो इंडक्टिव कोयल है उनमें एनर्जी स्टोर होगी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, तो यहाँ पे कितनी कोयल है, दो हैं और उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है तो उसके कारण भी एनर्जी स्टोर होगी। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस I1 I2 M, ये होती है टोटल एनर्जी स्टोर इन इंडक्टिव कोयल। तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी स्टोर करें क्योंकि यहाँ पे साइकिल चेंज होगी, तो यहाँ पे यदि चेंज इन स्टोर एनर्जी करें तो क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। और हमने देखा है कि इनपुट एनर्जी किसके इक्वल है, एनर्जी स्टोर प्लस मैकेनिकल एनर्जी के। तो यहाँ से यदि हमें मैकेनिकल एनर्जी निकाल लें तो क्या हो जाएगा, एनर्जी इनपुट माइनस एनर्जी स्टोर्ड। अब जब टोटल एनर्जी में से स्टोर्ड एनर्जी को जब माइनस कर देंगे तो उससे क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी आएगी, क्योंकि बची हुई एनर्जी किसमें काम आ रही है, उस पॉइंटर को मूव करने में। तो जब माइनस करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, हाफ I1 स्क्वायर DL1 प्लस हाफ I2 स्क्वायर DL2 प्लस I1 I2 DM। अब यहाँ पे L1 और L2 जो क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो यदि कॉन्स्टेंट है तो इनका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जीरो। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अवकलन कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या बचेगी, I1 I2
डीएम। अब मैकेनिकल एनर्जी होगी क्या? उस पॉइंटर को मूव करवाने के लिए जो भी एनर्जी या वर्क डन जो भी किया जा रहा है वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है? टॉर्क इनटू डिफ्लेक्शन। तो टॉर्क कितना है यहाँ पे? टी डी, यहाँ पे टी आई लिखा हुआ है, डिफ्लेक्शन टॉर्क है। और थीटा, डिफ्लेक्शन कितना हुआ है या चेंज कितना हो रहा है उस डिफ्लेक्शन में, तो उसका टोटल वर्क डन हो जाएगा। तो टी डी इंटू डी थीटा क्या हो जाएगा? मैकेनिकल वर्क डन, और वो किसके इक्वल होगा? आई वन आई टू डी एम। तो यहाँ से यदि डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकालें तो क्या आएगा? आई वन आई टू डी एम बाई डी थीटा। तो ये हो गई टॉर्क की इक्वेशन डायनोमीटर टाइप।